हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है टैली में हम आपको जीएसटी से रिलेटेड जो लेजर होते हैं वो क्रिएट करके दिखाएंगे। यदि आपको टैली की ज़रा सी भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा टैली में एंट्री करने के लिए हमें कुछ लेजर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो भी ट्रांजेक्शन हमें दी गई होती है। तो वर्तमान समय में जो है परचेज सेल के अलावा हमारे पास जीएसटी जो होती है वो परचेज और सेल के साथ होती है। अब जीएसटी से संबंधित लेजर कैसे बनाए जाते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो वो आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा कि कैसे जीएसटी से रिलेटेड एंट्री की जाती है या लेजर बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी अपनी, जैसे हमने एक कंपनी खोल ली टैली के अंदर। अब लास्ट वीडियो में हमने आपको सिंपल लेजर बनाने बताया हुआ है कि सिंपल लेजर कैसे बनाते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। यदि आपने उनके बारे में कोई डिटेल लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ दो चार खाते बना के दिखाऊंगा जो कि जीएसटी से रिलेटेड होंगे। तो कोई भी लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के मास्टर के अकाउंटिंग इन्फो ऑप्शन में जाना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक करना है या एंटर भी क्लिक करते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो इसमें ग्रुप है, लेजर है, वाउचर टाइप है, क्विट है। फिलहाल हमने आज टॉपिक जो है हमारा लेजर का है, तो लेजर पे क्लिक करते हैं। लेजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंगल और मल्टी लेजर है। यहाँ पर सिंगल लेजर को चूज़ करना है। सिंगल लेजर में क्रिएट डिस्प्ले एल्टर है जिसमें हमने क्रिएट पे जाना है, ठीक है। अगर आप सिंपल परचेज की एंट्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा परचेज, परचेज और एंटर एंटर, और ये अंडर जाता है परचेज के, ठीक है। एंटर इन्वेंट्री इफेक्टेड आपने यस रखना है, आगे एंटर एंटर, और फिलहाल इसको नॉर्मल आपको परचेज करना है तो नॉर्मल आप ऐसे परचेज करते हो, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल परचेज की होगी। लेकिन यदि जो आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो आपका जीएसटी इफेक्टेड है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है परचेज के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे बनाओगे। देखो, जो आप परचेज करते हो, परचेज परचेज जो होती है हमारी दो तरीके से होती है। कैसे? एक तो होती है हमारी सेम स्टेट से और एक होती है आउट ऑफ स्टेट से। दो ही प्रकार की जीएसटी हमारे इंडिया में लगती है, जिसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। लेकिन सीजीएसटी और आईजीएसटी जो होता है, IGST तो तब लगता है जब आपका आउट ऑफ स्टेट आप परचेज और सेल कर रहे हो, और SGST और CGST तब लगता है आपका जब आप सेम स्टेट के अंदर परचेज या सेल कर रहे हो। तो इसके लिए आपको कुछ हिंट मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख दोगे कि इन स्टेट है, आउट स्टेट है, लोकल है, जो आपको लगता है आप वो लिख सकते हो। कैसे? जैसे अब मैं परचेज कर रहा हूँ और मेरा परचेज जो है वो सेम स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो आप सेम स्टेट लिख के, जैसे आप यहाँ पर परचेज लिख दिया, आपने परचेज के आगे आप लिख दो इन स्टेट, ठीक है, इन स्टेट लिख दो, या आप आउट ऑफ स्टेट लिख दो। फिलहाल हम इन स्टेट का बना लेते हैं, या आप इसकी जगह लोकल लिख सकते हो। अगर सेम स्टेट के अंदर आप कोई परचेज सेल कर रहे हो तो आप सेम स्टेट लिख लो। तो फिलहाल हमने पहचानने के लिए इन स्टेट लिख दिया यहाँ पर, या आप लोकल भी लिख सकते हो, या आप उस जैसे आप हरियाणा के हो तो आप यहाँ पर परचेज हरियाणा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंटर या अंडर जाएगा परचेज के, तो यहाँ पर इन्वेंट्री इफेक्टेड आपने यस रखना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है इस पर। देखो यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये आपको तब यस करना है जब आप जो भी आप सेल परचेज कर रहे हो उन पे अगर सेम जो है आपका जीएसटी है, ठीक है। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने यस किया, जैसे आप यस कर देते हो तो यहाँ पर नेचर ऑफ इफेक्ट में आ जाता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका, जैसे परचेज कर रहे हो आप, तो परचेज देखो, यदि आप इंटर स्टेट कर रहे हो, मतलब आप सेम स्टेट में कर रहे होगे, तो आपका ये लगेगा परचेज टैक्सेबल, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट कर रहे होगे तो आपका लगेगा ये इंटर स्टेट परचेबल टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप, फिलहाल हम लोकल का कर रहे हैं तो हरियाणा का, तो यहाँ पर परचेज
टैक्सेबल पे आपने एंटर करना है। यहाँ पर आप इंटर स्टेट जो भी आपका जीएसटी है वो आप यहाँ पर लगा देंगे, जैसे आपने 18% लगा दिया आईजीएसटी, तो यहाँ पर एंटर और एंटर कर देंगे, ठीक है। और जो भी गुड्स या सर्विस में आप डील करते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर, उसके बाद एंटर एंटर। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर, अब हमारा जो गुड्स है उन पर अलग अलग टैक्स हो सकता है, तो यहाँ पर इसको नो करेंगे हम, सॉरी। हम परचेज था हमारा इन स्टेट, ठीक है। और परचेज के अंदर यहाँ पर हमने नो रखना है, ठीक है। एंटर सर्विस या गुड जो भी है आपकी, मान लेते हैं गुड्स है, यहाँ पर एंटर। और यदि आप बैंक डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट। यदि आपके पास ओपनिंग स्टॉक पहले से ही है कुछ तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो परचेज बनाया था हमने, ये बनाया था इन स्टेट का, यानी एक ही स्टेट में यदि आप परचेज कर रहे हो तो आपको एक परचेज और बनाना पड़ेगा, एक परचेज और बनाना पड़ेगा जिसको आप लिखना पड़ेगा आउट स्टेट, ठीक है। पहचानने के लिए आप जो मर्जी लिखो, आप आपकी इच्छा है, आप इन स्टेट लिखो, आउट स्टेट लिखो, इंट्रा लिखो। तो यहाँ पर आउट स्टेट यानी आप अलग, या आप जैसे राजस्थान पंजाब भी लिख सकते हो, वैसे जैसे हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा सेम स्टेट में होगा तो हम हरियाणा लिखेंगे, आउट स्टेट होगा तो आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जो भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर एंटर 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 जाएगा परचेज के, वही जो पहले किया था सेम वही प्रोसीजर करना है हमने, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये तो बन गया हमारा परचेज का, ऐसे ही बनेगा हमारा सेल का। अब सिंपल सेल का हमने बनाया था सेल, तो सेल जाता है सेल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पर एंटर एंटर सर्विस या गुड्स, एंटर, यहाँ पर एंटर एंटर। ये तो बन गया सेम सिंपल सेल का, ठीक है, जिस पे आपने कोई जीएसटी वगैरह वगैरह की नहीं कोई एंट्री करनी है। से यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ पर जो सेल हो रही है, जहाँ भी आप सेल कर रहे हो सेम स्टेट से कर रहे हो, तो आप इन स्टेट लिखोगे, और यदि आप आउट स्टेट से कर रहे हो तो आप आउट स्टेट लिखोगे। तो जैसे परचेज में लिखा था ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम सेल, सेल में लिख देते हैं इन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर एंटर, ये सेल के ही अंदर आएगा, यहाँ पर एंटर एंटर, जो भी आपका सर्विस या गुड्स है आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हो, गुड्स, एंटर एंटर एंटर। अब उसके बाद है हमारे पास सेल, एक और बनाएंगे हम, सेल बना देते हैं आउट स्टेट, आउट स्टेट, और आउट स्टेट में यहाँ पर सेम रखेंगे, ठीक है, गुड्स, एंटर एंटर एंटर, ठीक। ये तो हमारे बन गए सेल के और परचेज के। अब इसके अलावा हमें कुछ और भी लेजर बनाने पड़ते हैं, जो कि है हमारा जीएसटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे पहले बनेगा, मान लो आप सेम स्टेट में कर रहे होगे तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी दो प्रकार के लेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एसजीएसटी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देना चाहो 18% वगैरह वगैरह आप दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इसको एंटर एंटर। और ये जो जीएसटी जाता है, ये जाता है आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है। यहाँ पर आप जीएसटी, और यहाँ पर जीएसटी को आपने सेलेक्ट की, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स पे आपने जीएसटी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आगे आ जाएगा आपका टाइप टैक्स, यानी टैक्स का टाइप। अब जो आपने ये खाता बनाया है ये सीजीएसटी यानी सेंटर, सॉरी एसजीएसटी बनाया यानी स्टेट का बनाया, स्टेट टैक्स, तो आप यहाँ पर स्टेट टैक्स पे आप क्लिक करना है, स्टेट टैक्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने कोई भी परसेंटेज नहीं देनी है, ठीक है। राउंडिंग मेथड नोट एप्लीकेबल रखो यहाँ पर फिलहाल, एंटर, और यहाँ पर एंटर एंटर, और ये आपका बन गया एसजीएसटी का। ऐसे हम सीजीएसटी का भी बनाएंगे, सीजीएसटी हमारा, तो सीजीएसटी भी ड्यूटी ऑन टैक्स के अंदर आता है। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, और अब ये टाइप ऑफ टैक्स किसके अंदर आएगा, अब आ जाएगा हमारा ये हम बना सीजीएसटी, तो सेंटर टैक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर एंटर, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल, एंटर एंटर एंटर, और एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमने सी जी एस टी और एस जी एस टी का बना दिया। इसके अलावा एक हमें आई जी एस टी का भी खाता बनाना पड़ेगा, आई जी एस टी, ठीक है। आई जी एस टी, आई जी एस टी सेम ड्यूटी एंड टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आपने टैक्स टाइप में जी एस टी,
फिर उसके बाद टैक्स टाइप, आप जो ये बना रहे हैं IGST तो इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आएगा ये, इंटीग्रेटेड टैक्स एंटर, और यहाँ पर परसेंटेज नहीं देनी है आपने, नोट एप्लीकेबल एंटर एंटर एंटर। ये आपका SGST CGST IGST का खाता बन चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा कई बार हमें सेस का भी खाता बनाना पड़ सकता है, ये जो हमारा होता है ना, यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, सॉरी, ये जो सेस होता है हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट लगा लेती है, किसी किसी प्रोडक्ट पे लगता है हमारा सेस, जो होता है 1% 2% ऐसा होता है, तो इसका भी कई बार हमें यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसका भी हम अलग से खाता बनाएंगे। कैसे बनेगा, वही सिंपल सा, सेस सेस लिख देंगे आप, एंटर एंटर ड्यूटी एंड टैक्स GST, और यहाँ से किसके अंदर आएगा, सेस के अंदर, और यहाँ पर आप एनी रखेंगे, यहाँ पर वैल्यूम टाइप में एनी रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो 1% 2% जो भी है आपका, यहाँ पर आप इसको दे सकते हो, ठीक है, एंटर एंटर एंटर। तो ये हमने खाते बना लिए, CGST IGST और किसका बनाया, CGST SGST IGST का बनाया, परचेज का बना दिया, सेल का बना दिया। इसके अलावा हमारे पास क्रेडिटर और डेबिटर्स की एंट्री होनी चाहिए, सॉरी, लेजर्स होनी चाहिए, यानी क्रेडिटर जिससे आप सामान खरीद रहे हो और डेबिटर जिसको आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, तो उनका भी लेजर बनाना होता है, वो भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जैसे आप एक एग्जांपल मान लेते हैं, राम, राम जो है हमारा डेबिटर क्रेडिटर है, राम से हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो क्रेडिटर पहचानने के लिए। फिलहाल राम, राम जो है, अगर आप सामान खरीद रहे हो तो ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये रहा हमारा एंटर, और यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल आपने इसको यस करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप यस करोगे, अब ये यहाँ पर मांग रहा है कि जो पीरियड कितना देना चाहते हो, भाई जो बिल है हमारा कितने दिन में क्लियर होना चाहिए, 10 दिन 15 दिन आप कुछ दे सकते हो, यहाँ पर एंटर एंटर, इसको आपने एंटर करना है। अब यहाँ पर देखो जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, एड्रेस आपको, उसको पूरा एड्रेस आपको डालना पड़ेगा इसमें। कैसे, अब यहाँ पर जो भी आप डालना चाहो, हांसी रोड या समथिंग कुछ भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है वो, सॉरी, जो भी आपके उसका क्या बोलते हैं, क्रेडिटर का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्रेडिटर का एड्रेस डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल देता हूँ हांसी रोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ आपको जरूर सेलेक्ट करनी है, इंडिया और हरियाणा या जिस भी स्टेट का है। देखो अगर आप हरियाणा स्टेट, हरियाणा सेलेक्ट करोगे तो उस पे लगेगा आपका CGST SGST, और यदि आप यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट करते हो तो इस पे लगेगा IGST टैक्स, ठीक है। वो आपको आगे जब मैं परचेज की एंट्री जब करना सिखाऊंगा वाउचर के अंदर, तब आपको समझा दूंगा कि ये कैसे लगता है। फिलहाल आपने यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पिन कोड दे देना है जो भी है आपके स्टेट का, और बैंक डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो। अब यहाँ पर आप उसके पैन नंबर की डिटेल दोगे जो भी आपका क्रेडिटर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन टैली में क्या होता है, यदि आप कोई गलत एंट्री करते हो, ठीक है, जैसे GST की, या आप इसमें पैन नंबर गलत डालते हो, तो ये इसको बताएगा इनवैलिड पैन नंबर, ठीक है। फिलहाल हम इसको वैसे ही मान रहे हैं। अब उसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी जो आपका ये कस्टमर है, जो राम है क्रेडिटर, ये आपका रेगुलर है कंज्यूमर कस्टमर है, या मतलब जो इसका रजिस्टर्ड टाइप है वो कैसे है, ठीक है, तो हम रेगुलर मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका GSTIN नंबर आएगा जो कि आप डाल दोगे, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, ये ऐसे नहीं डाला जाता, परफेक्ट डाला जाता है। यहाँ पर इसको बता भी रहा है कि जो है GST नंबर ऐसा है। और उसके बाद देखो सेट अल्टर GST, देखो ये अगर
वैसे तो इसको नो रखना है यहाँ पर आपने, अगर आप इसको यस कर दोगे तो यहाँ पर वही चीज़ मांगेगा जो आपने पीछे दी थी, ठीक है। अगर कोई भी डिटेल आपसे मिस हो गई है तो आप यहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मेन चीज़ है हरियाणा और इंडिया को सिलेक्ट करना है, और उसका पैन नंबर और IGST नंबर या UNI नंबर जो आपको यहाँ पर ये डालना है, ठीक है। उसके बाद एंटर एंटर एंटर, सॉरी ये मेरे से एंटर हो गया, और ऐसे कर देंगे आप, ठीक है। और ये आपका क्रेडिटर का खाता बन चुका है। ऐसे ही आपने डेबिटर का बनाना, सेम बनेगा डेबिटर का भी। मान लेते हैं रीना, रीना जो है आपकी वो डेबिटर है, ठीक है। तो ये सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएगी, सन्ड्री डेबिटर, यहाँ पर बिल बाय बिल यस रखना है इसको, यहाँ 10 डेज दे दो इसको, यस यस। रीना का भी डिटेल डाल देंगे यहाँ पर आप, ठीक है, जो भी आपने डालना है। एंटर 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 एंटर, यहाँ पर आप पिन नंबर डाल देना और बैंक डिटेल देना चाहो, अब उसका भी पैन नंबर आएगा यहाँ पर समथिंग, ठीक है। और एंटर, और यहाँ पर एंटर, यहाँ पर भी रेगुलर क्या है आपका, कस्टमर कंज्यूमर क्या है, ठीक है। तो कंज्यूमर मान लेते हैं, यहाँ पर उसका GST आई, कंज्यूमर रेगुलर आएगा, सॉरी रेगुलर में आप क्लिक करोगे तो ही आपका GST नंबर मांगेगा वो, ठीक है। एंटर एंटर, यहाँ पर एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये आपके खाते बन गए हैं। अब आप इसमें एंट्री कर सकते हो, सेल की भी एंट्री कर सकते हो, परचेज की भी एंट्री कर सकते हो, और जितने भी GST से रिलेटेड हैं खाते इसी प्रकार बनते हैं। अब मैंने तो 2 ही क्रेडिटर बनाए हैं, आपकी कंपनी में क्या पता 100 क्रेडिटर हैं कि 200 हैं कि 1000 हैं, डेबिटर क्रेडिटर आप अपने हिसाब से बनाते रहोगे, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल कैसे करते हैं, GST से रिलेटेड अगर आपने जर्नल की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है अपनी टैली के अंदर तो वो कैसे करते हैं, और यदि आपने सेल परचेज करना है, सेल का वाउचर करना है या परचेज का वाउचर करना है GST के साथ, तो वो कैसे किया जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको समझाया कि GST से रिलेटेड कैसे खाते बनाए जाते हैं, वो परचेज सेल IGST CGST। आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको समझाया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।